हेलो नमस्कार, मेरा नाम है रोहित। मैं आपका रीजनिंग फैकल्टी हूं। मैं आपको आज से पज़ल एंड सेटिंग की क्लास कराऊंगा, जिसमें आपको अल्टरनेट डेज पे एक क्लास मिलेगी। क्लास की टाइमिंग है 8:30, तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को भी क्लास होगी 8:30 पे। तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, आपको 8:30 पे इस सुंदर से प्लेटफॉर्म पे आ जाना है IBPS गाइड के। आपको वहाँ पे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। आप अब सुनिए, बहुत से बच्चे कहते हैं सर PDF दे दो। देखो बेटा, मैं आपको PDF दे दिया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, आपको वहाँ एक PDF का लिंक मिलेगा। आपको लिंक से वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब आपको कितने क्वेश्चन इस PDF में मिलेंगे, आपको 4 पज़ल मिलेंगे, सिर्फ 4 मिलेंगे। अब आपको अपने आप से मोबाइल में टाइमर लगाना है। मोबाइल का डेटा ऑफ कर दीजिएगा, तब टाइमर लगाइएगा, क्योंकि आप लगा रहे हो मैसेज आ जाएगा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप एयरप्लेन मोड में चले जाइए, टाइमर लगाइए 8 मिनट का, और सो कोशिश करिए कि चारों पज़ल एंड सेटिंग आपको सॉल्व कर लेनी है। उसके बाद आंसर आप मैच कराने के लिए हमारी वीडियो पे वापस आइएगा, आप आंसर मैच कराइएगा, ठीक है ना। तो एकदम, और ये टारगेट किस लिए है, IBPS PO प्री की क्लास है। सर आप मेंस तो कराते ही नहीं हो, तो मैं आपको बता दूं, आप 12 बजे डेली वो क्लास आ रही है, डेली 12 बजे आपको IBPS RRB PO मेंस की क्लास मिल रही है, जिसमें पज़ल एंड सेटिंग वो मेंस का कोर्स है, ठीक है। तो आप दोनों क्लास को अटेंड करिएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है जो मेरा, वो डे बेस्ड से है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। क्या बोला है, कुछ पर्सन है, 7 पर्सन है, डिफरेंट प्लेस पे जाते हैं, मैसूर, लिंगराजा टेम्पल, टीसुमरोली, रेड फोर्ट, आगरा, ताजमहल, अंबर प्लेस इन अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे से लेके आपके संडे पे एंड हो जा रहे हैं। तो आपको अपनी कॉपी पे तुरंत लिख देना है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और कब खत्म हो रहा है, संडे को, ठीक है। ये आपने बना लिया इस तरीके से, जल्दी से अपनी कॉपी पे, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा किसी को बनाने में, अपनी हैंड राइटिंग में आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं इसको, कुछ सेकंड का काम है, मुश्किल से 10-20 सेकंड का, ठीक है ना। आगे देखिए, कहता है कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बोलिए कि एम जो है आपका थर्सडे पे जाता है, तो थर्सडे के पास जाइए और एम यहाँ लिख दीजिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, सब सही किया। आगे देखिए क्या कह रहा है, 2 पर्सन बिटवीन एम एंड द वन हु विजिट आगरा, 1-2 आगरा आपको यहाँ लिख देना है। और एक और केस बना लीजिए इसी के साथ साथ, जहाँ आपको एम यहाँ लिखना है और 1-2 आगरा नीचे लिख देना है। आगे पढ़िए, मोर देन मतलब 3 से कम नहीं, एटलीस्ट 3 से ज़्यादा मतलब 4, 5, 6 इस तरीके से होगा। इवन ये भी नहीं बोला, 3 से ज़्यादा पीपल विजिट करेंगे बिटवीन आगरा और पी के। द वन हु विजिट मैसूर विजिट इमीडिएटली बिफोर पी, तो कहने का मतलब ये हो गया कि पी से इमीडिएटली बिफोर कोई एक प्लेस पे जा रहा है मैसूर पे, तो कहने का मतलब तो ये हो गया पी मेरी टॉप पे तो आएगा नहीं, क्योंकि पी से पहले तो कुछ है ही नहीं। 3 persons विजिट बिटवीन क्यू एंड द वन हु विजिट टीसुमरोली, पी विजिट्स बिफोर द वन हु विजिट्स टीसुमरोली, मतलब कि टीसुमरोली है, टीसुमरोली से पहले पहले पी आएगा, कहने का मतलब क्या हो गया। अब पहले पहले इमीडिएटली नहीं बोला है, बोला है विजिट्स बिफोर द वन हु विजिट टीसुमरोली, मतलब एक का गैप भी हो सकता है, 2 का भी गैप हो सकता है, बट इमीडिएटली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, पी मेरा यहाँ पे भी नहीं आएगा, एंड पे भी नहीं आएगा। भाई पी अगर यहाँ आएगा तो नीचे कहीं टीसुमरोली आना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बातों को, क्या ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है ये देखो, अच्छा 1, 2, 3, ये तो 3 हुआ एग्जैक्ट, पर बोला 3 से ज़्यादा मतलब 4th का गैप देखिए, पी यहाँ लिखना है, अब पी यहाँ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, मैंने बता दिया था ना ऑलरेडी। अब यहाँ देखो आगरा 1, 2, 3, 3 से ज़्यादा मतलब 4th का गैप देखिए, इसका भी गैप देखिए, पी यहाँ आना, पी फिक्स हो गया कि नहीं हो गया, अब बताइए, अब आप बोलिए हाँ कि ना, तो बिल्कुल ये चीज़ क्लियर है मेरे को, एकदम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द वन विजिट मैसूर प्लेस विजिट्स इमीडिएटली बिफोर पी, पी को फिक्स करते हुए मैसूर यहाँ लिख दो, मैसूर, पी को फिक्स करने के बाद तुरंत यहाँ लिख दो मैसूर, ठीक है। आगे देखो, 3 पर्सन विजिट बिटवीन क्यू एंड द वन हु विजिट टीसुमरोली, अच्छा एक बात बताइए, इस वाले डायग्राम में मैं पी यहाँ रखा है तो टीसुमरोली यहाँ कन्फर्म लिख सकता हूँ, टीसो
क्यों? क्योंकि टीसो मलोड़ी से पहले ही पी हो रहा है और एक ही जगह बच रही है, तो ये रहा। अब एक दो तीन का गैप देखिए क्यों मेरा फिक्स हो जाएगा, पर इस वाले डायग्राम में हम कहाँ लिख सकते हैं हमें नहीं पता। देखो टीसो मलोड़ी यहाँ तो आएगा नहीं, टीसो मलोड़ी यहाँ लिखेंगे अगर, सोचो टीसो मलोड़ी, तो टीसो मलोड़ी से पहले पी आ रहा है, बिल्कुल सही बात आ रही है, लेकिन एक दो तीन का गैप देखिए क्यों यहाँ आता, पर आगे क्या बोला गया, क्यों डज नॉट विजिट मैसूर प्लेस, बट ये तो नहीं बोला कि क्यों आगरा पे नहीं विजिट कर रहा, ये तो नहीं बोला है ना, ये नहीं बोला है, तो मेरा टीसो मरोड़ी यहाँ आ सकता है। आगे देखो टीसो मरोड़ी यहाँ रखा मान लो, तो एक दो तीन नहीं लिख पाएंगे, एक दो तीन का गैप देके क्यों को नहीं लिख पाएंगे, तो टीसो मरोड़ी मेरा इधर नहीं आ सकता। टीसो मरोड़ी यहाँ लिखेंगे तो एक दो तीन का गैप देके क्यों, क्यों डज नॉट विजिट मैसूर बोल दिया यहाँ पे, क्यों मैसूर में नहीं जाएगा, तो क्यों मेरा टीसो मरोड़ी यहाँ पे भी नहीं जाएगा। अच्छा टीसो मरोड़ी यहाँ लिखें एक दो तीन का देखिए क्यों नहीं लिख पाएंगे, तो अब बचा क्या मेरे पास, टीसो मरोड़ी यहाँ पे भी मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, एक दो तीन का गैप देखिए क्यों मैंने यहाँ फिक्स कर दिया। और कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए यहाँ तक किसी को भी। आगे देखो क्या बोला है, आर विजिट्स रेड फोर्ट, 2% विजिट बिटवीन आर एंड वी, तो रेड फोर्ट आर, रेड फोर्ट आर, रेड फोर्ट आर नहीं, यही जगह बच रही है, रेड फोर्ट आर, रेड फोर्ट आर, रेड फोर्ट। अब यहाँ देखो अगर आर यहाँ होता तो वन टू करके वी नहीं लिख पाते, वन टू करके वी नहीं लिख पाते, तो मतलब पता है कि आर यानी आर रेड फोर्ट और वन टू करके वी यहाँ आ जाता मेरा। 3% विजिट बिटवीन जी एंड द वन हु विजिट ताजमहल, अच्छा जी यहाँ सोचो तो वन टू थ्री ताजमहल आ जाता, ठीक है जी यहाँ सोचो तो वन टू थ्री ताजमहल नहीं आ पाता, तो कन्फर्म है जी मेरा ये आ जाएगा, वन टू थ्री ताजमहल मेरा इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है सही है। आगे देखो टी डज नॉट विजिट आगरा, तो मतलब टी यहाँ नहीं आएगा, अब टी इन दोनों में से कहीं आएगा, टी इन दोनों में से कहीं आएगा, पर उससे पहले देख लेते हैं जी को भी फिक्स करना है, जी और ताजमहल के बीच में कितना है, जी और ताजमहल के बीच में 3% है, तो अगर सोचो यहाँ सोचे होते तो वन टू थ्री ताजमहल आ जाता, अगर यहाँ सोचे होते तो वन टू थ्री नहीं आ पाता, तो जी तो यहाँ नहीं आएगा, जी यहाँ सोचे होते तो वन टू थ्री ताजमहल नहीं आ पाता, तो अब केवल जगह एक ही बची जी एक दो तीन ताजमहल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं आता। अब इस वाले केस की अगर बात करा जाएगा तो देखो टी डज नॉट विजिट आगरा, तो आगरा में टी यहाँ नहीं आना है, टी यहाँ आ जाएगा। अब 1% और बच रहा है आपका, कौन बच रहा है, एम पी पी क्यू आर टी जी एम और यहाँ वी आ जाएगा, ठीक है ओके वी यहाँ आएगा ओके। वी से और कोई रिलेटेड पॉइंट था क्या दिया हुआ, नहीं ये देखो 2% विजिट बिटवीन आर एंड वी, आर एंड वी के बीच 2% होना चाहिए, केस रिजेक्ट हो गया। यहाँ देखोगे तो कौन सा पर्सन बच रहा है, यहाँ हो गया पी हो गया क्यू हो गया आर हो गया, आगे टी जी, टी नहीं हो रहा है तो टी ये हो गया, टी आगरा को नहीं जाना चाहिए, देखो टी डज नॉट विजिट आगरा, तो टी तो जा रहा है ताजमहल में, बिल्कुल सही बात है। लास्ट लाइन ने मेरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, कह रहा है कि लिंगर राजा टेम्पल विजिट बिफोर द वन हु लाइक अंबर, तो अंबर से अंबर यहाँ आ जाएगा और लिंगर राजा टेम्पल इधर आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं कि क्या है मेरे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सर्कुलर टेबल से है, चलिए देख लेते हैं दोनों को, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन जिसको कहूंगा, कि कहता है कि 8% है, ये रहे पर्सन के नाम, कलर चेंज कर लेते हैं, वर सीटेड अराउंड द सर्कुलर टेबल सच दैट फोर ऑफ देम वर सीटेड फेसेस द सेंटर वाइल फोर ऑफ देम फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। जल्दी से आपको इस तरीके की दो पॉसिबिलिटी, एटलीस्ट दो पॉसिबिलिटी तो बना लेनी है, ठीक है ना, एटलीस्ट जल्दी से। सिंगल वेरिएबल है क्या, बिल्कुल सिंगल वेरिएबल है, तो चलिए F was seated third to the right of C and both were faces facing the center। मैं नहीं स्टार्ट कर सकता हूँ यहाँ से, बस मुझे ढूंढना है कि किसी एक की डायरेक्शन मिल जाए और वो पॉइंट किसी और से कनेक्ट हो, तो देखते हैं both were facing the same direction either both face toward the faces the away from the center okay। C was immediate right of E, E was seated facing away from the center, तो E immediate right C, E facing outside, immediate right C,
बोला क्या, ई वॉज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ सी, मतलब सी और ई के बीच में दो का क्या, तो एक दो यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, एफ एफ आ जाएगा, और यहाँ से एक दो देकर एफ यहाँ आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला, एफ वॉज सीटेड थर्ड टू द राइट, तो अब इसके थर्ड राइट में लाने के लिए मुझे इसको आउटसाइड देना पड़ेगा, और सी और एफ दोनों एक डायरेक्शन में है तो ये भी आउटसाइड हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड राइट में लाने के लिए मुझे इसको इनसाइड देना पड़ेगा तो ये भी इनसाइड हो जाएगा, थर्ड राइट में आ जाएगा। आगे बोला गया ई वॉज सीटेड अपोजिट टू जी, ई वॉज अपोजिट टू जी यहाँ नहीं हो रहा, ये केस हट जाएगा, ई वॉज अपोजिट टू जी यहाँ आ जाएगा जी। ए वॉज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, मतलब इसको देंगे इनसाइड तभी वन टू थ्री ए यहाँ आ जाएगा। आउटसाइड देने का मतलब है वन टू करके ए नहीं आ पाता यहाँ पे। बी वॉज सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच एंड अपोजिट टू एफ, मतलब बी की ही बात हो रही है, अपोजिट टू एफ, एफ यहाँ है तो बी यहाँ हो जाएगा। और बी वॉज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, मतलब एच यहाँ हो जाएगा। अब इमीडिएट लेफ्ट मतलब इसको मुझे देना पड़ेगा आउटसाइड, तभी इमीडिएट लेफ्ट में बी आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो एक दो, दो लोग तो आउटसाइड कर गए हैं, और इनसाइड कितने हैं, एक दो तीन लोग इनसाइड कर गए हैं, ओके ठीक है। आगे पढ़ो, डी एंड ए वर सीटेड फेसिंग द सेम डायरेक्शन, डी एंड ए, अच्छा तो डी किधर जाएगा, अब डी तो इधर ही आएगा, इन दोनों का सेम डायरेक्शन है, इन दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो अगर मैंने इनसाइड दे दिया, मान लो इनसाइड, और इसका भी इनसाइड, तो इनसाइड इनसाइड दो, इनसाइड इनसाइड दो, चार हो जाएंगे, ठीक है, और ये भी पांचवा हो जाएगा तब। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा इन शॉर्ट कि मुझे इसको देना पड़ेगा आउटसाइड, इसको देना पड़ेगा आउटसाइड, और इसको देना पड़ेगा इनसाइड। तो एक दो तीन चार लोग इनसाइड हो गए, तो बाकी के चार क्या होंगे, आउटसाइड होंगे। ये मेरा राइट अरेंजमेंट है, बहुत आराम से करिएगा, कूल माइंड होके, कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। जल्दबाजी तो है बट जल्दबाजी में आप हरकत ना कर दीजिए, मतलब गलती मत कर दीजिए, ठीक है ना। तो आई होप जिस तरीके से मैंने बताया था कि आपको मोबाइल में टाइमर लगा के करना है, 8 से 10 मिनट का टाइमर लगा लीजिए और कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने की, ठीक है, उसी तरीके से किया होगा। तो हमने अभी तक दो क्वेश्चन कर लिए हैं सॉल्व, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे, वो भी दो वेरिएबल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पहले इसको कर लेते हैं कि मंथ बेस्ड का। अच्छा देखिए, हाँ आपको बता दे पहले तो कि अभी हाल ही में आरआरबी क्लर्क की फोर्थ शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो 100% रॉन्ग था माय डियर फ्रेंड्स। क्यों गलत था, मैं उसका रीज़न बता रहा हूँ। देखिए अधिकतर बच्चे कह रहे हैं सर अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते मंथ को तो क्या होता, मेरा सही हो जाता। बट बेटा अगर आप रिवर्स में करते तो आप अपने हिसाब से कर रहे हो क्या, नहीं ना। अगर मेंशन था कि भैया आपको यहाँ से स्टार्टिंग करनी थी, इस रिवर्स ऑर्डर में लिखना था, तब तो मैं कहूँगा करेक्ट है, क्योंकि देखो मैंने अपने आप आंखों से क्वेश्चन नहीं देखा, जो बच्चे बता रहे मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ। अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखा था कहीं ना कहीं पॉइंट पे, तो बिल्कुल सही थी वो पज़ल, वो सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल सही थी। बट अगर नहीं मेंशन है तो बेटा वो बिल्कुल गलत है। अच्छा अब बहुत लोग इस चीज़ को सपोर्ट इस तरीके से कर रहे थे कि सर लाइन में ये लिखा रहता है, आइए दिखाते हैं। 10% पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई हैव अ सेमिनार इन फरवरी अप्रैल मई सितंबर दिसंबर विद 2 सेमिनार इन ईच मंथ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सर यहाँ पे लिखा था बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, तो हम अपने हिसाब से हम ले सकते हैं। बट बेटा ये गलत अजम्पशन है आपकी, ये फुल स्टॉप तक पढ़ो और समझो कि क्या कह रहा है। ये जो 10 के 10% है ये इसी सेमिनार में इसी पैटर्न में नहीं अटेंड करना है, मतलब पी आपका जा रहा है फरवरी में, क्यू आपका जा रहा है अप्रैल में, आर आपका जा रहा है मई में, ऐसा नहीं हो रहा इसके लाइन का ये मतलब है। ये मतलब नहीं कि आप अपने हिसाब से मंथ को ले लीजिए, नहीं नहीं बिल्कुल गलत है। अगर मेंशन नहीं आए तो बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरीके से हमारे आते हैं कैलेंडर में उसी तरीके से लेके चलना पड़ेगा, उसमें आप कोई इफ़ एंड बट नहीं लगा सकते हो। हाँ अब क्वेश्चन गलत है तो आईबीपीएस अब करेगा क्या, तो देखिए आईबीपीएस क्या कर सकता है कि आपके टाइम का कंजम वो कंपनसेट तो नहीं करेगा, क्योंकि देखिए हाल ही में ऐसा होता है कि अगर आपने टाइम लगाया है तो वो आपकी भी मिस्टेक है कहीं ना कहीं, कि आपको अगर पता लग गया 2 से 3 मिनट में कि आपका क्वेश्चन गलत है तो आप उसको स्किप कर सकते थे, स्किप कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन करेगा वो उस 5 क्वेश्चंस को पूरा वो हटा देगा, और आउट ऑफ 75 में से वो कुछ नॉर्मलाइजेशन करेगा,
तो वो तो सब पता चलेगा आपका, जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि उसने किया क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही कुछ करेगा, तो प्लीज़ मेरी बातों पे मत जाइएगा कि सर ने तो ये कहा था ये कैसे हो गया, मैं तो सर को अब डिसलाइक करूँगा, है ना, ऐसा नहीं है। अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि हुआ क्या है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इस वाले को काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मंथ बेस्ड है। क्या बोला था कि आपका फरवरी से और फरवरी आपके डेट्स हैं और सेमिनार हो रहे हैं शेड्यूल 9 और 17 मंथ को, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे फेब, और यहाँ पे पहले 9 आता है फिर 17 आता है, तो आपने इस तरीके से ऐसा क्यों बनवाता हूँ स्ट्रक्चर, ऐसा क्यों होता है क्योंकि आपको एक फील आएगा कि आप फ्लोर बेस्ड स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको फील लाने के लिए, ठीक है ना। फरवरी ये हो गया है, अप्रैल है ये, 9, 17, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है मई, 9, 17, उसके बाद है मई के बाद है सितंबर, 9, 17, और लास्ट आपका दिसंबर, 9 और 17, ठीक। अब बात को समझिएगा, ये लेस देन 30 डेज का है, तो ये कितने का होगा, आपका होगा 30 डेज का, ये है, ये आपका 31 डेज का हो गया मंथ, ये आपका 30 डेज का है और ये आपका 31 डेज का है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए आराम से समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो क्यू है इज इन द मंथ ऑफ 31 डेज बट बिफोर एस, ओके, मतलब क्यू आपका आना आपका 31 डेज वाले में है, या तो ये या तो यहाँ, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, ऐसे कर देता हूँ, मतलब ये कह रहा हूँ कि क्यू जो है दिसंबर में आएगा। अब कौन सी तारीख में जाएगा, 9 को जाएगा 17 को जाएगा नहीं पता, लेकिन सेमिनार ऑफ क्यू इज इन द मंथ ऑफ 31 डे बट बिफोर एस, एस से बिफोर होगा कहीं ना कहीं क्यू, ठीक है। सेमिनार ऑफ आर एंड एस नॉट शेड्यूल इन द सेम मंथ, ओके, आर और एस आपके सेम मंथ में नहीं है। सेमिनार ऑफ यू इज इन अप्रैल एंड ऑन वन ऑफ द डे बिफोर एस, समझो अप्रैल में हो रहा है पर कौन सी तारीख में नहीं पता, लेकिन लिख देते हैं यू और यू, बस 9 को होगा या 17 को होगा पर अप्रैल में ही हो रहा है। बट उसके बाद ये भी बोला है वन ऑफ द डे बिफोर एस, तो एस से वन ऑफ द डे बिफोर एस से ही यू आएगा, मतलब यहाँ कहीं एस नहीं आ सकता, यहाँ कहीं एस नहीं आ सकता और यहाँ कहीं एस नहीं आ सकता, एस आएगा यू के नीचे ही कहीं ना कहीं, तभी एस से बिफोर आपका यू आएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो, पी एन टी हैव सेमिनार इन द सेम मंथ, ओके, पी एन टी आपके सेम मंथ में हो रहे हैं। आगे पढ़ो, देयर आर ओनली 3 सेमिनार बिटवीन, सॉरी सेमिनार शेड्यूल बिटवीन यू एंड वी, यू 1, 2, 3 वी, 1, 2, 3 वी, ठीक है, यही तो होगा 1, 2, 3, 1, 2, 3, ऊपर तो लिख नहीं सकते हैं। हूज सेमिनार इज नॉट इमीडिएटली आफ्टर क्यू, तो मतलब कि क्यू के इमीडिएटली आफ्टर वी नहीं आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान देना, ये चीज़ ध्यान देना कि क्यों यहाँ नहीं आ सकता, क्यों यहाँ नहीं आ सकता। नाइदर आर नॉर एक्स हैज अ सेमिनार इन द सेम मंथ, सॉरी नाइदर आर नॉर एक्स हैव अ सेमिनार इन द मंथ हैविंग 30 डेज, ओके, मतलब आर और एक्स आपके दोनों लोग 30 डेज वाले में नहीं है, तो मतलब 31 डेज वाले में होंगे या फिर लेस देन 30 डेज, मतलब फरवरी में, मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक ही है तो फेब लिख देता हूँ, पर वो तो हो तो नहीं रहे ना, 30 डेज में नहीं हो रहे ना, या तो 31 डेज में होंगे या तो फरवरी वाले में होंगे, आर और एक्स, आर और एक्स की बात करेंगे तो। सेमिनार ऑफ डब्ल्यू इज इन ऑन 17 सितंबर, तो 17 सितंबर पर जाके डब्ल्यू यहाँ, मतलब ये चीज़ मैंने गलत लिखी हुई है, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, तो मतलब यू मेरा फिक्स पता चल गया कि ये यहीं रहेगा, वी मेरा यहाँ रहेगा, डब्ल्यू मेरा, अब ये दोनों सेम केस चल रहे हैं, लेकिन क्या पता आगे कोई पॉसिबिलिटी मुझे लेनी पड़ जाए, इस वजह से मैंने दोनों केस को कंसिडर किया हुआ है। सेमिनार एस इज नॉट शेड्यूल्ड ऑन 17 ऑफ एनी मंथ, सुनो बाबा यहाँ तो कत्ता ही नहीं आएगा, यहाँ पे 17 नहीं आएगा,
17 यहाँ पे भी नहीं आएगा, 17 यहाँ तो वैसे भी नहीं आएगा, और 17 यहाँ पे वैसे भी नहीं आएगा। अब 17 सॉरी एस कहाँ कहाँ आएगा, एस एक बार को देखो या तो यहाँ आएगा, सुनना मेरी बातों को ध्यान से, एस या तो यहाँ आएगा या तो एस यहाँ आएगा, बस इसके अलावा और कोई ऑप्शन तो बच नहीं रहा है मेरे पास, मेरे हाथ में कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये भी है कि पी और टी आपके आ क्या रहे हैं, पी और टी आपके आ रहे हैं सेम मंथ में, और क्यू की बात अगर की जाए तो क्यू आपका अब इस वाले केस में क्यू यहाँ नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि एस से पहले ही क्यू था, वो भी एक ही पॉसिबिलिटी बच रही है, एस से पहले ही क्यू था, तो मतलब एस से पहले क्यू था, क्यू मतलब कन्फर्म यहाँ लिखोगे, और जैसे ही तुमने क्यू यहाँ लिखा तो क्यू और वी एक दूसरे के नेबर में नहीं आ सकते, ये बोला है ना, क्योंकि एक दूसरे के नेबर में नहीं आ सकते। तो अब एस ये रहा, एस अगर ये रहा और एस से पहले ही क्यू है, और एस से पहले ही क्यू है, तो देखो आपका एस से पहले ही क्यू है, तो यहाँ पे एक केस बन रहा है कि ठीक है एक सेकेंड, अगर एस यहाँ रखते हो तो एस से पहले ही क्यू था, मतलब क्यू यहीं आएगा, ओके। किसने कहा आपसे कि क्यू यहीं आएगा, पहले ये बताओ, यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन, क्यू आएगा में, अब कौन से में ये नहीं पता, लेकिन क्यू यहीं आएगा ये नहीं पता। लेकिन अगर हम इस केस की बात करें, अगर हम इस केस की बात करेंगे तो एस से पहले ही क्यू आ रहा है, तो एस से पहले क्यू आ रहा है मतलब क्या हुआ कि क्यू ऊपर कहीं आना चाहिए, और क्यू ऊपर कहीं आ नहीं सकता, समझ रहे हो, तो ये केस रिजेक्ट हुआ। और इस केस में क्यू मेरा यहाँ तो नहीं आएगा, क्योंकि क्यू के बाद वी आ रहा है, तो क्यू मेरा ये हो सकता है कन्फर्म, ठीक है, अब सही है, अब सही है, छोटा सा पॉइंट था, मिस कर रहे थे, और बोला था पी और टी अगर सेम मंथ में है तो मुझे नहीं पता कौन पहले आ रहा, पर पी और टी ऐसे होंगे ऊपर, और कुछ नहीं कह सकते। अब हम अगर आर और एक्स की बात करेंगे, आर और एक्स की बात करेंगे तो 31 डेज में आना चाहिए, 31 डेज में आना चाहिए, ओके। और आर से पहले कोई बातें बोली गई थी, देख लेते हैं, आर सेमिनार ऑफ आर एंड एस इज नॉट शेड्यूल इन द सेम मंथ, तो आर आना आपका 31 डेज में है या फरवरी में, फरवरी के लिए तो जगह बची नहीं, तो ये तो रूल्ड आउट हो गया, 31 डेज में आना है आर और या और एक्स, तो आर और एस एक साथ तो नहीं लिख सकते ना, तो आर तो यहाँ लिखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास, आर यहाँ लिखेंगे, और एक्स को भी 31 डेज में जाना था तो एक्स ये लिखेंगे, और क्या बच रहा है, वाई, वाई बच रहा है, वाई ये रहा, ये आपका करेक्ट आंसर, बताइए ये आया था, छोटी सी मिस्टेक, देखिए कन्फ्यूजन की वजह से हम लोग मिस्टेक कर रहे थे कि क्यू को यहाँ लिख के और इस पूरे केस को रिजेक्ट कर रहे थे, वो मेरी मिस्टेक थी, बट करेक्ट कर लिया है। तो बताइए क्वेश्चन कैसा लगा, अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करेंगे, लिख के करेंगे, हर चीज़ की इसके इफ़ एंड बट्स को समझते हुए करेंगे, ठीक है ना। देखो ये एट बॉक्स वाली पजल है जिसमें आपको नंबर ऑफ चॉकलेट्स दिए गए हैं, तो ये भी टू वेरिएबल की है, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। देखो एट बॉक्सेस जो आपके अरेंज हुए हैं वन अबव अदर, ईच बॉक्स कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट 1 to 8 बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अच्छा अब देखिए मैं कहता हूँ कि मैं एट बॉक्सेस, तो मैं एट का अरेंजमेंट लिख देता हूँ, अब चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखूँ या फिर 8 7 6 करके इस तरीके से लिखूँ, जैसे आपकी इच्छा, आंसर आपका सेम आ जाएगा, 8 7 6 5 4 3 2 1, और इस तरीके से मैंने पॉसिबिलिटीज बना ली, ठीक है, कुछ नहीं, सब सही है, इस तरीके से मैंने बना लिया, ठीक। मुझे अब देखो स्टार्टिंग कहाँ से करनी, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे। कहता है कि तीन बॉक्स बैठेंगे, बिटवीन बॉक्स एल एंड द बॉक्स कंटेनर 5 चॉकलेट्स, तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता 1 2 3 के बाद ऐसे होगा, और इन दोनों में ऊपर नीचे, मतलब इन दोनों में पोजिशन एक्सचेंज हो सकती हैं। Only one box is kept between box J and V. Box J is kept below box V. तो V के नीचे ही कहीं box J होगा, ये pattern होगा, पर कितना gap है, एक का box का gap है, ठीक है। आगे कहता है box V is kept below L. L के नीचे ही कहीं ना कहीं V होगा, अब immediately में भी हो सकता है, gap के बाद भी हो सकता है, but mention नहीं है, तो हम immediately भी मान के चलेंगे और गैप्स को भी लेते हुए चलेंगे। बॉक्स जिसके पास 2 चॉकलेट हैं वो इमीडिएटली अबव है बॉक्स एल के, बॉक्स एल के ठीक ऊपर जो बॉक्स है वो है उसके अंदर 2 चॉकलेट हैं। आगे पढ़ो, एटलीस्ट बोल दिया ना,
एट लीस्ट टू बॉक्सेस आर केप्ट बिलो द बॉक्स विच कंटेन फाइव चॉकलेट. मान लीजिए फाइव चॉकलेट ये है, तो फाइव चॉकलेट के नीचे जो भी नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गया वो मान लो एक्स है, इस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन हो या फिर बराबर हो टू की मिनिमम, ऐसा होना चाहिए. आगे पढ़ो, आगे क्या कहता है, एज मैनी बॉक्सेस केप्ट अबव बॉक्स पी इज सेम एज मैनी बॉक्सेस केप्ट बिलो जे. मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहीं हो गया, क्योंकि देखो यहीं से ही मैं सारे केसेस बना सकता हूँ. अब समझते ही वो चलना, ठीक है ना. पी अगर यहाँ लिखते हो तो जे आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि पी से ऊपर एक भी नहीं तो जे के नीचे भी एक भी नहीं. इस तरीके से बनाते हुए चलेंगे, ठीक है ना. केसेस बनाएंगे, पर आगे थोड़ा सा पढ़ ले. एट लीस्ट वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन वी एंड पी. वी और पी के बीच में अगर मान लो वाई नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, वाई नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, तो इस वाई की वैल्यू ग्रेटर हो या फिर बराबर हो वन से. ये चीज़ समझ में आ रही है, एटलीस्ट का मतलब किस तरीके से मैं इसको हैंडल करता हूँ सिचुएशंस को. आगे देखो कहता क्या है कि बॉक्स विच कंटेन थ्री चॉकलेट्स इमिडिएटली बिलो पी. अब पी के यहाँ जैसे मैंने लिखा तो पी के नीचे यहाँ तीन तुरंत लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये ऐसा केस बनेगा, एक एक केस ये बन जाएगा. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो. आगे देखो पढ़ो, आगे पढ़ो क्या कहता है. बॉक्स विच कंटेन थ्री चॉकलेट इज केप्ट इमिडिएटली बिलो बॉक्स पी. टू बॉक्स आर केप्ट बिटवीन टी एंड आर. टी एक दो एंड आर, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई. द बॉक्स विच कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट इज केप्ट इमिडिएटली अबव आर. आर के इमिडिएटली अबव कौन है, एक नंबर चॉकलेट जिसके पास एक है. थ्री बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स क्यू एंड द बॉक्स क्यू एट. वन टू थ्री, ये रहा बॉक्स एट. बात समझ में आ गई. बॉक्स विच कंटेन फोर चॉकलेट इज केप्ट इमिडिएटली अबव बॉक्स विच कंटेन सिक्स चॉकलेट. तो सिक्स के इमिडिएटली अबव कौन है, सिक्स के इमिडिएटली अबव फोर वाला है. तो ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए. अब देखो सिचुएशंस के हिसाब से अब हम बातों को करते हुए चलेंगे. कहता क्या है, पी यहाँ पे भी तो हो सकता था, तो थ्री यहाँ हो जाएगा और जे यहाँ हो जाएगा. पी से ऊपर एक तो जे के नीचे एक, ठीक. पी यहाँ पे भी तो हो सकता था, पी के नीचे तीन, पी के ऊपर दो तो जे के नीचे भी दो, ठीक है. ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, लेकिन एक बात सुनना ध्यान से. जे को लिख रहे हो ना तो वी को भी लिखो. एक का गैप देके वी, एक का गैप देके वी, एक का गैप देके वी. जैसे ही तुमने ये लिखा ऊपर ही भी आना है. देखो वी के नीचे जे, वी के नीचे जे, और बोला था पी और वी के बीच में एटलीस्ट 1% तो होगा. यहाँ हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है. अब बाकी कोई भी केस बनाओगे इस कंडीशन को कॉन्फ्लिक्शन मिलेगी. तो मैंने कहा टाइम ना वेस्ट करते हुए केवल यही दोनों केस को कंसिडर करेंगे. अब हम यही दोनों केस को कंसिडर करेंगे. सही है, सही जा रहा है. तो आपने क्या किया, अभी आपने क्या किया, आपने ये वाली केस को यूज़ कर लिया, ये वाला केस यूज़ हो गया है. अब थोड़ा सा सोचेंगे कि L के नीचे ही V आना है, और L और 5 के बारे में ये बातें बोली गई थी, और 5 के नीचे एटलीस्ट टू बॉक्सेस का जिक्र किया गया था, कनेक्टिंग पॉइंट्स ये रहे. तो देखो V ये है, तो L यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी आ सकता है इस केस में, क्योंकि L के नीचे ही V है. अब नीचे तो हम नहीं डाल सकते L को. अगर हमने L यहाँ सोचा तो एक दो तीन का गैप देखिए पाँच नहीं लिख सकते. क्यों, क्योंकि पाँच के नीचे एटलीस्ट टू बॉक्सेस का जिक्र किया गया था, तो मैं नहीं लिख सकता हूँ L को यहाँ पे. L यहाँ से रोल्ड आउट हो गया. L यहाँ लिखे, और वैसे भी L यहाँ पे रोल्ड आउट हो जाएगा, ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है. मैं दिखा दूँ क्यों. L के ऊपर क्या बोला था, इमिडिएटली अबव टू बोला है, तो अगर हम L यहाँ लिखते हैं तो टू यहाँ हो जाएगा. एक दो तीन का गैप देखिए पाँच यहाँ पर, एटलीस्ट वाली कंडीशन को कॉन्फ्लिक्शन मिल रही है, तो मेरा पाँच तब भी यहाँ नहीं आ पाएगा, तो L यहाँ नहीं होगा. अच्छा अब हम L टॉप पे भी नहीं लिख सकते, क्योंकि L के ऊपर आपका टू आना चाहिए, जो कि नहीं आ सकता. कंडीशन रिजेक्ट हो गई. आपके सामने सिर्फ एक केस बच रहा है. अब आपके सामने सिर्फ यही एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है. अब हमको यहाँ पे जितना भी कॉम्बिनेशन बनेगा हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. अगर हमने L को यहाँ रखा होता तो मेरा कौन यहाँ आता, यहाँ दो नंबर वाला बॉक्स आता. एक दो तीन का गैप देखिए कौन यहाँ आता, तीन के बाद यहाँ पे पाँच आता. मानते हो मेरी बात को, क्या ध्यान से सुनना. पाँच के नीचे एटलीस्ट टू बॉक्सेस का जिक्र किया गया है, तो बिल्कुल सही बात है. तो अब हम कहीं पे भी अब हम L को यहाँ रखेंगे, L यहाँ रखेंगे, एक दो तीन का देखिए पाँच, तो बात बनेगी नहीं. तो कॉम्बिनेशन मेरा तो यहीं जा रहा है, सही सही जा रहा है. तो L और 5 भी हो गया और ये भी हो गया, मेरी कंडीशन डन, ठीक है. अब देखो आगे क्या, कौन सी कंडीशन को उठाना चाहिए हमको, ये देखना है. अच्छा L के ऊपर 2 है, मैंने लिख दिया L के ऊपर 2, L के ऊपर 2 तुरंत लिख दिया है. अच्छा
अब देखा जाए अगर हम आर और टी की बात की जाएगी, आर और टी में, क्योंकि आर के बारे में मुझे ये पॉइंट पता है, आर और टी के बीच में दो पर्सन है, दो बॉक्स हैं, और आर के ठीक ऊपर आपका वन वाला बॉक्स बैठा है, तो आर यहाँ तो आएगा नहीं ना, आर यहाँ लिखते हैं अगर सोचते तो वन टू करके टी नहीं लिख पाएंगे, वन टू करके टी नहीं लिख पाएंगे, तो मतलब आर रूल्ड आउट है यहाँ से, यहाँ नहीं आएगा आर के, यहाँ सोचेंगे तो आर के ऊपर वन आएगा, यहीं लिखेंगे और कहीं हम आर नहीं लिख सकते क्योंकि आर यहाँ लिखेंगे तो वन आना चाहिए जबकि नहीं आ सकता, तो वन आपका ये हो गया। अब वन टू टी नहीं आएगा, वन टू टी आपका ये आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखिए अब जैसे ही टी को यहाँ लिखा फिर मैंने देखा कि अच्छा अब देखो क्यू के लिए बात अगर फंस रही है तो क्यू को रख के देखेंगे क्योंकि क्यू और एट के बीच में तीन का गैप था, तो क्यू यहाँ रखेंगे एक दो तीन का गैप, देखिए आठ लिख पा रहे हैं, और अगर क्यू यहाँ लिखेंगे तो एक दो तीन नहीं लिख पाएंगे, एक दो तीन नहीं लिख पाएंगे, तो जाहिर सी बात है मेरा क्यू ये हो जाएगा, एक दो तीन का गैप देखिए आठ ये हो जाएगा। मुझे ये बात पता थी कि चार और छः एक साथ आ रहे हैं, इमीडिएट कॉन्जिक्यूटिव में आ रहे हैं, और कॉन्जिक्यूटिव में आने का मतलब चार ये हो जाएगा, छः ये हो जाएगा, और अब आपका एक ही वेरिएबल बच रहा है वो क्या है, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एल, एल भी हो गया, जे, जे भी हो गया, टी, टी भी हो गया, वी भी हो गया, के आपका यहाँ आ जाएगा। अब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन ये रहा आपका राइट आंसर। अब बताइए यही सबका आया था अरेंजमेंट, आप कमेंट करिएगा जब आप सॉल्यूशन मैच कराइएगा तो कमेंट करिएगा कि आपने इसको करने में कितना टाइम ले लिया है, ठीक है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे ये, और अगर आप चाहते हैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँ मैं, अल्टरनेट डेज पर लाता रहूँ, तो फ्रेंड्स जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए मैं चार ही क्वेश्चन इसलिए लिया है कि आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई 20 नंबर तो मेरे पक्के हैं IBPS PO प्री में रीजनिंग सेक्शन में पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अब, आज मंडे था तो ट्यूजडे का गैप लेके वेडनेसडे को मिलते हैं और चार क्वेश्चन के साथ आते हैं फॉर IBPS PO प्री। टिल दैट थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी, बाय बाय, ध्यान रखना अपना, एग्जाम पास है तो अपनी सेहत का ध्यान रखो, ठीक है, चलो बाय।